इंदौर में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पैसे लेने के चलते युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। युवक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला लसूड़े थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 78 में विजय नामक युवक पर पैसे के लेन देन के विवाद में मुकेश और शिवम ने विजय के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विजय को उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तब पूरा क्लियर पता नहीं लग पाया है। घायल को जैसे चोट लगी थी डायरेक्ट इलाज के लिए एम्बा भर्ती लेकर आया है। घायल का नाम विजय पिता मंगल सिंह है, रहने वाला यूपी का है। अभी वर्तमान में पाटनीपुरा में एक मकान किराए से लेकर सिलाई का काम कर रहा है। ये अभी जानकारी मिली, उसके बच्चे और भाई ने बताया कि घर से मुकेश और शिवम के साथ ये करीब 4 बजे घर से गया था, है ना। उसके बाद इनके स्कीम नंबर 78 में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, इसी कारण से उसके अभी वर्तमान में गले में चाकू लगा है और इलाज चालू है। पहले अपन जान बचा रहे, बाद में इसका जैसा भी होगा उस पर कार्रवाई करके अपराध पंजीबद्ध अभी कर लेंगे नाइट में। सर अभी क्या कंडीशन बताई जा रही है? अभी डॉक्टर साहब से पूछताछ करी, अभी ठीक है, ऑपरेशन के लिए ले गए हैं और ऑपरेशन चालू है। ये कितने लोगों ने इस पर वार किया था? अभी 2 जन का नाम आ रहा है। एक का नाम मुकेश से, दूसरा शिवम है, दो के नाम बताए जा रहे हैं। उसके भाई और लड़के ने बताया कि जो घायल था उसने मुकेश को कुछ पैसा उधार दिया था। उधारी पैसे के लेन देन की बात को लेकर हो सकता इनके वाद विवाद या झगड़ा हुआ था, इसी कारण उसके साथ मारपीट है। बाकी जांच का विषय है। आपका बुरा नाम? SI श्रीराम परमार, थाना लसूड़ा। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।